आइए. सो नाउ हमारा दो क्वेश्चन बचा हुआ है नवंबर 19 का, राइट. उसको हम लोग फटाफट कर लेंगे. तो क्वेश्चन नंबर 5A हमारा मार्जिनल कॉस्टिंग का पेपर है, राइट. पीजे लिमिटेड मैन्युफैक्चरर्स हॉकी स्टिक, 500 रुपये में प्रोडक्ट को बेचता है. ठीक है, और उसमें वो 125 रुपया करके कमाता है. ठीक है, द कंपनी इज प्रोड्यूसिंग 500 स्टिक्स एनुअली बाई यूजिंग 50% ऑफ इट्स मशीनरी कैपेसिटी, राइट. हमने इवैल्यूएशन ऑफ ऑफर का सम कराया, ये हमारे बुक का क्वेश्चन नंबर 28 है, राइट. सिमिलर प्रॉब्लम है. तो सबसे पहले तो हमको कॉस्ट स्ट्रक्चर दिया हुआ है 150, 50, 125, 50, तो 375 हो गया. तो 500 रुपया सेलिंग प्राइस है, उसमें से 375 हम कॉस्ट माइनस कर देंगे तो हमारा 125 का प्रॉफिट आ गया. तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहला हम लोगों को करना है एनालिसिस ऑफ कॉस्ट, राइट. इस टाइप का क्वेश्चन में सबसे अपने को बजट मिला के दे दिया, राइट. जैसे डायरेक्ट मटेरियल, ये है आपका 150 रुपया पर यूनिट, ये वेरिएबल कॉस्ट हो गया. डायरेक्ट लेबर 50 रुपया पर यूनिट, ये भी वेरिएबल कॉस्ट हो गया, राइट. वर्क्स ओवरहेड, वर्क्स ओवरहेड में 125 में बोला है 50% फिक्स, मतलब 50% वेरिएबल हो गया. तो जो वेरिएबल कॉस्ट है वर्क्स ओवरहेड का, दैट विल बी 125 का 50% आएगा हमारा 62.5. और जो फिक्स कॉस्ट है 125 का 50% करेंगे तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट आएगा, लेकिन अपने को फिक्स कॉस्ट पर यूनिट से मतलब नहीं है, अपने को फिक्स कॉस्ट टोटल चाहिए. तो टोटल फिक्स कॉस्ट कैसे आएगा, यहां पे जो एवरेज निकाला हुआ है वो हमारा करंट प्रोडक्शन के बेसिस पे निकाला हुआ है, 5000 यूनिट के बेसिस पे, राइट. तो हमारा फिक्स कॉस्ट कितना आएगा चेक करके बताओ, 125 का 50% इंटू 5000, 312,500, राइट. सिमिलर टाइप ऑफ एनालिसिस वी विल डू फॉर ये दोनों, तो बाय नेचर ही वेरिएबल है. इसमें लिखा है वेरिएबल फिक्स, तो वेरिएबल तो पर यूनिट ही चाहिए अपने को, लेकिन फिक्स्ड अपने को टोटल चाहिए. लेकिन फिक्स का एवरेज है, तो एवरेज को अपने मल्टीप्लाई उसी यूनिट से करते हैं जिसको वो एवरेज निकालते वक्त जो यूनिट लिया गया है. तो अपने करेंट ईयर में हमारा 5000 प्रोडक्शन है, तो उस हिसाब से एवरेज आया होगा हमारा. अच्छा, सेलिंग एक्सपेंसेस में भी जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है, सवाल में बोला क्या है, 50 का 25%, सो दैट कम्स टू 12.5 पर यूनिट. और जो फिक्स कॉस्ट है वो 50 का 75%, 5000 यूनिट.
राइट। तो ये एनालिसिस हम लोग कर चुके हैं, ये एनालिसिस नहीं करेंगे तो आगे जाके सम नहीं कर पाएंगे हम लोग। मार्जिनल कॉस्टिंग में कुछ कुछ सम्स ऐसे होते हैं जिसमें एनालिसिस करके दे देता है, कुछ कुछ में एनालिसिस पार्ट नहीं किया हुआ रहता। तो ये दोनों वेरिएबल है। वर्क्स ओवरहेड में जो वेरिएबल वेरिएबल ऑलवेज पर यूनिट एक्सप्रेस होता है, एंड फिक्स्ड हमेशा टोटल में एक्सप्रेस होता है। फिक्स्ड एवरेज का कोई काम नहीं है, क्योंकि फिक्स्ड वाला जो एवरेज है वो हर पॉइंट पे कीप्स ऑन चेंजिंग। ठीक है, ये हो गया हमारा करंट सेलिंग प्राइस, हमारा है 500 पर यूनिट, और हमारा करंट प्रॉफिट है 125 और 5000 यूनिट, 125 और 5000, 6,25,000। तो ये एनालिसिस हम लोगों को करके रख लेना है। ठीक है, इज इट डन? अब आगे बोला है नेक्स्ट ईयर में खर्चा बढ़ जाएगा। ठीक है, बजट का लैंग्वेज है तो लिखता है फिक्स चार्ज 10%। फिक्स चार्ज में बोला नहीं, तो वर्क्स ओवरहेड का जो फिक्स है वो भी बढ़ेगा, और सेलिंग एक्सपेंसेस का जो फिक्स है वो भी बढ़ेगा। डायरेक्ट वेजेस बढ़ेगा 20% से, मटेरियल बढ़ेगा 5% से। ठीक है, सेलिंग प्राइस चेंज नहीं होगा। अभी बोलता है 2000 स्टिक का एडिशनल ऑफर आएगा नेक्स्ट ईयर में। ठीक है, तो बोलता है उस ऑफर का लोएस्ट प्राइस क्या होगा, और मेरे को प्रॉफिटेबिलिटी नहीं बढ़ानी है, वही प्रॉफिट रखना है जो करेंट ईयर में हमने कमाया है। तो करेंट ईयर में मैंने कमाया 6,25,000। तो पहले अपने काम करते हैं, नेक्स्ट ईयर का बजट बनाते हैं। लेट अस कैलकुलेट एंटीसिपेटेड कॉस्ट फॉर 7,000। 7,000 यूनिट का बजट बनाते, उसका टोटल कॉस्ट आएगा, उसमें प्रॉफिट जोड़ देते तो बजटेड रेवेन्यू आ जाएगा। 5,000 यूनिट का रेवेन्यू 500 करके आएगा, जो एडिशनल ऑफर है वो बाकी से रेवेन्यू आ जाएगा। यस और नो? किया है ना हम लोग इस टाइप का सम? बोलिए। ये हमारा 5,000 का दिया हुआ है कॉस्ट स्ट्रक्चर। 7,000 पहले देखो कैपेसिटी ओके है कि नहीं। 5,000 है 50%, तो ये नॉर्मल इवैल्यूएशन है, खाली ऑफर को इवैल्यूएट कर लो, काम हो जाएगा। ऐसा नहीं है ऑफर एक्सेप्ट करने के कारण आपको आपका लोकल सेल्स हैम्पर हो रहा है, नहीं। 5,000 मैं प्रोड्यूस करता हूँ 50% कैपेसिटी में, तो मेरी टोटल कैपेसिटी 10,000 हो गई। एडिशनल ऑफर नेक्स्ट ईयर 2,000 का आ रहा है, राइट? तो 7,000 ही हुआ ना, अभी भी मेरे पास आइडल पड़ा हुआ है, राइट? तो यहां पे अपने को ऑफर का प्राइस निकालना है, लोएस्ट जो अपने कोट कर सकते हैं, राइट? तो ये हमारा एनालिसिस हो गया। अब हम निकालेंगे बजटेड रेवेन्यू एंड कॉस्ट, बजट नेक्स्ट ईयर का। बजटेड कॉस्ट एंड
बजटेड रेवेन्यू फॉर 7,000 यूनिट डायरेक्ट मटेरियल, 7,000 यूनिट का 150 करके लगेगा, लेकिन बोलता है 5% से मटेरियल कॉस्ट बढ़ा है, मटेरियल कॉस्ट 5% से बढ़ा है, तो 150 × 5% 157.5 × 7,000, तो 1102500, ठीक है। सात हजार पचास, अच्छा यहाँ पे 105% लिखना है, सॉरी, ठीक है, किया मैंने वही है, इनटू 20% से मेरा वेजेस बढ़ा है, तो 7,000 × 50 × 120% 4,20,000, वर्क्स ओवरहेड का जो वेरिएबल पार्ट है सात हजार इंटू 62.50, ऑलरेडी एनालिसिस कर चुके हैं, 437,500, जो फिक्स पार्ट है वो हमारा कितना आया था, 312,500, तो जो भी आया था उसका 110% बढ़ा देंगे, फिक्स कॉस्ट थोड़ी वॉल्यूम के हिसाब से चेंज होगा, ठीक है, इज इट फाइन। तो 312,500 का 110%, 343,750, ठीक है। सेलिंग एक्सपेंसेस, ये तो अभी तक नॉर्मल बजट ही चल रहा है, वेरिएबल 7,000 इंटू कितना करके 12.5, 7,000 × 12.5 87,500, जो फिक्स पार्ट है वो 187,500 का 110%, वन एटी सेवन फाइव हंड्रेड का 110%, 206,250, तो ये हमारा आएगा टोटल कॉस्ट, बजटेड कॉस्ट 7,000 यूनिट का हमारा आ गया टोटल कॉस्ट, प्लस बजटेड प्रॉफिट 6,25,000 चाहिए, तो उस हिसाब से हमारा बजटेड रेवेन्यू आ गया, राइट। अब मार्जिनल कॉस्टिंग का काम आएगा, 1102500 प्लस 4,20,000 प्लस 437,500 प्लस 343,750 प्लस 87,500 प्लस 206,250 2,597,500, थर्टी टू लैख 22,500, राइट।
इज दैट फाइन? अब ये रेवेन्यू जो है 5000 तो मेरा नॉर्मल सेल है, रेवेन्यू फ्रॉम नॉर्मल सेल्स 5000 इंटू 500 दैट इज 25 लाख, बाकी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑफर मांगता है 7,22,500, देयरफॉर सेलिंग प्राइस पर यूनिट फॉर ऑफर मिनिमम मिनिमम सेलिंग प्राइस 7,22,500 बाई 2000, थ्री सिक्सटी वन पॉइंट टू फाइव, ये लो आ गया। इतना पैसा उठाना है हम लोगों को, तो नॉर्मल सेल से अपने 5000 को 500 करके बेचेंगे, बाकी का जो रेवेन्यू है वो हमको ऑफर से उठाना है। तो ऑफर का लोएस्ट प्राइस कितना होगा? 361.25, मतलब इसके नीचे हम नहीं जाएंगे। मेरा तो मन करेगा इतना भी अगर मिलेगा तो भी मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं मेहनत भी दूं और मेरे घर पे कुछ बचे भी नहीं तो कैपेसिटी बढ़ाने का फायदा क्या है। तो लोएस्ट कोटेशन है ये, ठीक है? वो रात भी दें जगात भी दें वो काम नहीं करना है, क्योंकि आपका कॉस्ट स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। अगर हमारा कॉस्ट स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता, मैंने आपको बताया था बाद में, अगर हमारा कॉस्ट स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा तो वी विल कैन रिकवर जस्ट द वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि दैट विल बी द मिनिमम प्राइस। क्योंकि यहां पे हमारा कॉस्ट स्ट्रक्चर चेंज हुआ है बोल के अपने को ये टोटल बेसिस पे कैलकुलेशन दिखाना पड़ रहा है। अगर हमारा कॉस्ट स्ट्रक्चर चेंज नहीं हो रहा है देन मिनिमम कोटेशन फॉर द ऑफर इज द वेरिएबल कॉस्ट प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तो वेरिएबल कॉस्ट जो जो है उसको जोड़ लेंगे तो दैट विल बी द मिनिमम प्राइस। क्योंकि कॉस्ट स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है तो अपने को ओवरऑल कैलकुलेशन करना पड़ेगा। हाँ, पहला तो चेक करना है कैपेसिटी आइडल है कि नहीं, आइडल कैपेसिटी ऑफर कैन बी मेड। नाउ अगर कॉस्ट स्ट्रक्चर चेंज नहीं हो रहा है तो मिनिमम कोटेशन विल बी द वेरिएबल कॉस्ट, सिंपल, एकदम सिंपल, मिनिमम कोटेशन विल बी द वेरी, उतना तो क्योंकि फिक्स कॉस्ट हैज ऑलरेडी बीन रिकवर्ड, फिक्स कॉस्ट हैज ऑलरेडी बीन रिकवर्ड, बट क्योंकि कॉस्ट स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है बोल के अपने को इस तरीके का कैलकुलेशन दिखाना पड़ेगा ओवरऑल बेसिस पे। यस यस बेटा, मैंने बताया है इफ कॉस्ट स्ट्रक्चर डज नॉट चेंज, मिनिमम सेलिंग प्राइस फॉर द ऑफर यूनिट्स इज इक्वल्स टू वेरिएबल कॉस्ट, और आइडल कैपेसिटी है तो अपॉर्चुनिटी का भी सवाल नहीं है। तो 150 प्लस 50 प्लस 62.5 प्लस 12.5, सो दैट कम्स टू
275, यस। ठीक है, कॉस्टिंग वाला क्वेश्चन ट्राई करिए, 5B। ट्राई किए, क्वेश्चन नंबर 5B। पहले कॉस्ट कार्ड बनाइए फटाफट। राइट,
राइट तो इस टाइप का सम में हम लोग आउट इनपुट को 100 अज्यूम करते हैं तो ए डालेंगे 60 केजी, बी डालेंगे 40 केजी, इसका रेट 50 रुपया है, इसका रेट 60 रुपया है, ठीक है। स्टैंडर्ड लॉस 25% ऑन आउटपुट है, तो इसका मतलब 75 केजी निकलेगा। यस और नो? इसको निकाल के कोई मतलब नहीं है क्योंकि अपने को फ्लेक्स करना पड़ेगा। फाइव फोर्टी के जी, टू सिक्सटी के जी, साठ, पचास, राइट मल्टीप्लाई करिए, बत्तीस चार सौ, तेरह हजार, आउटपुट 680 निकला है। Is that fine? सबसे पहले तो अपने को स्टैंडर्ड इनपुट फॉर एक्चुअल आउटपुट निकालना है। राइट तो 60 के जी है 75 के लिए, 680 कितने के लिए होगा? 40 है 75 के लिए, 680 कितना के लिए होगा? 544 के जी, 362.67 के जी, राइट अच्छा टोटल एक्चुअल इनपुट है 540 प्लस 260 800 केजी है, ये होना चाहिए 3:2 में, तो स्टैंडर्ड मिक्स भी बोलेगा आगे चाहिएगा ना,
टोटल एक्चुअल इनपुट इन स्टैंडर्ड रेशियो ठीक है। अब फटाफट फॉर्मूला में बैठा हुआ आंसर आ जाएगा। सबसे पहले आपको पूछा है एमसीवी स्टैंडर्ड इनपुट फॉर एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड एड, ये आ जाएगा स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट ए बी। स्टैंडर्ड इनपुट है 544 इंटू 50 का रेट है माइनस एक्चुअल कॉस्ट 32,400, इसका है 362.67। एट सेवन सिक्स जीरो फेवरेबल, राइट। दो सौ फेवरेबल, 362.67 माइनस 260, 6160 फेवरेबल, 6360 फेवरेबल।
तो इसमें 5400 एडवर्स आ रहा है, इसमें 2600 फेवरेबल आ रहा है, तो 2800 फेवरेबल आ गया। सॉरी, 2800 एडवर्स आएगा। तो देखो टेस्टिंग देखो हो गया ना, 3630 फेवरेबल और 2800 आ गया, 3560 फेवरेबल। कुछ नहीं करना है, खाली फॉर्मूला में बैठाना और आंसर आएगा। मिक्स वेरिएंस, स्टैंडर्ड मिक्स, एक्चुअल मिक्स इनटू स्टैंडर्ड रेट, 480, 540, 320, 260, 50, 60। ये 60 kg ज़्यादा यूज़ हुआ है, ये 60 kg ज़्यादा यूज़ हुआ है, ये 60 kg कम यूज़ हुआ है। तो 60 × 50, 3000 एडवर्स, 60 × 60, 3600 फेवरेबल, तो 600 फेवरेबल आया। स्टैंडर्ड इनपुट माइनस स्टैंडर्ड मिक्स इनटू स्टैंडर्ड रेट, राइट। स्टैंडर्ड इनपुट कितना है? 544, 362.67, 480, 320, 50, 60। 544 माइनस 480 × 50, 3200 फेवरेबल। 362.67 माइनस 320 × 60, 2560 फेवरेबल, 5760 फेवरेबल हो गया ना, उसका 6360 फेवरेबल आया था। ये देखिए आ गया। कुछ नहीं करना, आपको कॉस्ट कार्ड बना लेना है बस। खाली एक चीज याद रखिएगा, स्टैंडर्ड को फ्लेक्स कर लीजिएगा। ये जो मैंने फ्लेक्सिंग किया है ना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको हम लोग बोलते हैं फ्लेक्सिंग। राइट, इज दैट फाइन?